मानसून का मौसम करीब है, ऐसे में महानगर वासियों को बरसात में मौसम में होने वाले जल जमाव से निजात दिलाने के लिए नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इस मानसून में महानगर में जल जमाव ना हो, जिसको लेकर नगर निगम प्रशासन शहर के सभी प्रमुख नालों की साफ सफाई करवा रहा है। मंगलवार को नगर आयुक्त डीके सिन्हा ने शहर में चल रहे नालों की सफाई का जायजा लिया। इस दौरान अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा ने कहा, क्लियर कराना पानी जो आगे दिखवा दे सारे आदमी ये सब बोल दो भाई। रोजी रोजी और क्या यही काम करते हैं थोड़ी उनसे बहुत अपना ला के रख लो कहीं भी डाल देना और जिंदा कूड़ा में जल्दी हटाओ हटा के आगे बढ़ो। आपकी गरज आप साफ कराओ, हम क्यों साफ कराएं, हमारे कौन गरज है, रहना तुमको है। आई सर आगे आगे आप आइए इसे लगाइए।
नहीं लगी देखिए मतलब नालों की सफाई चल रही है रेगुलरली हम लोग उसको देखते हैं रेगुलरली मॉनिटरिंग हो रही है। सर ये कितने शहर में प्रमुख नाले बड़े नाले हैं और कितने के अभी तक सफाई हो चुकी है? ऐसा 11 प्रमुख नाले हैं काफ़ी लंबे लंबे से हैं और टोटल नाले 230 हैं तो उसमें बड़े नाले 11 हैं फिर मझले नाले हैं 110 के करीब उसके बाद जो है छोटे नाले हैं जो वार्डों में नाले हैं तो सबकी सफाई चल रही है और लगभग हमारा 70% नालों की सफाई का काम लगभग नहीं हमको आइडिया है कि इस बार उन नालों की सफाई हुई है जो पहले कभी नहीं हुई थी जैसे गोरदैया नाला है उसकी सफाई हुई 9 किलोमीटर का लंबा नाला है पहले कभी बताया गया कि पिछले 20-25 साल से सफाई नहीं थी। मेडिकल कॉलेज के पीछे उन्होंने पूरा नाला खुलवाया है वो ब्लॉक था पूरा नाला वो नाला के शेप में ही नहीं था। इस तरीके से जो बड़े बड़े नाले हैं जैसे आपने यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग